स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंग्रेजी गुरुजी के इस क्लास में। सिनोनिम्स करेंगे आज हम गाइस, और एक चीज़ बता दूं आपको कि सिनोनिम्स के साथ साथ हमारा इसमें एंटोनिम्स भी कवर हो रहा है। मैंने इस तरीके का काम कर दिया इसमें, ठीक है गाइस, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल विकास, चलिए गाइस। ओके सो अब हम पहले वर्ड से शुरू करते हैं गाइस। कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम वर्ड को कवर करेंगे, लेकिन हमारा जो भी है इसके बाद जो हमारा ग्रामर रह जाएगा उसको भी हम कवर कर लेंगे। हमारे पास अभी कितना डेज है? अराउंड लगभग 20 डेज हैं, तो इसमें हम ऑलमोस्ट कवर को सिलेबस को कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। मीनवाइल शुरू करते हैं। यहाँ देखिए पहला वर्ड है अबेट। वैसे मैं आपके साथ ये शेयर जरूर कर दूंगा, लेकिन साथ में याद करते चलेंगे जिससे कि परेशानी ना हो। और सिनोनिम्स याद करने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सबसे पहले आप जैसे भी याद करते हो तो वो जो गाना गा के बहुत लोग कराते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, राइमिंग कर देते हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। ये राइम्स नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए आपको उसके रिवीजन करने पड़ेंगे आपको जब आप इंग्लिश स्पीक करते हो। अतः कितने बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं इंग्लिश? कितने बच्चे ऐसे, हैंड रेज करो, जो कन्वर्स करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो आपका क्लास होता है, यू आर ट्राइंग, दैट इज़ रियली गुड। तो अगर आप लोग कोशिश करते हो तो कोशिश करने के दरमियान जो वर्ड आज आप सीखते हो उसको आप याद करो, उसको आप रिवीजन करो, उसको उस स्पीकिंग में बोलने की कोशिश करो गाइस, ठीक है। ओके ओके, एवरी वन ऑफ यू दोज हु आर लिसनिंग टू मी मेक श्योर कि कम से कम कोशिश करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एनडीए में जो आपका इंटरव्यू होता है, जो एसएसबी में आप जाओगे, तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आज से ही क्यों ना तैयार करें। कहते हैं कि हजारों मील की दूरी पहले कदम से शुरू होती है, तो अगर पहला कदम ही नहीं उठाओगे तो वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? तो मेक श्योर कि एवरीबडी स्टार्ट्स लर्निंग वर्ड मीनिंग एंड यूजिंग इट इन योर क्लासेस, ठीक है। यस सो गाइस, मेक श्योर कि एवरीबडी स्टार्ट्स लर्निंग फ्रॉम टुडे, एवरीबडी स्टार्ट्स स्पीकिंग फ्रॉम टुडे। कोई भी ये एक्सक्यूज नहीं देगा कि सर मेरे घर पे कोई बोलने वाला नहीं है तो किसके साथ बोलूं? अरे भाई दर्पण है ना, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, ट्राई टू टॉक टू योर सेल्फ। व्हाट डिड यू डू टुडे? व्हाट शुड यू डू? वेयर आर यू लैकिंग, ठीक है? व्हाई आर यू नॉट प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन? तो गाइस जस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, करना तो सीखो। मम्मी पापा जिसके हैं जो समझ लेते होंगे, बोल नहीं पाते होंगे, तो उनको बोलो कि समझ के हिंदी में बोलें, आप इंग्लिश में बोलो, ठीक है। तो आज से करना शुरू कर दो। एवरी वन हु एवर आर योर फ्रेंड्स, ट्राई टू टॉक टू इन इंग्लिश ओनली, नो एक्सक्यूजेस गाइस, आई एम टेलिंग यू। पेपर आ गया है, पेपर 20 दिन रह गए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 19 दिन ही होंगे, तो अगर आप एक्सक्यूज दोगे ना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों एक साथ कौन हो जाए। ओके चलिए, तो सबसे पहला वर्ड आज श्री गणेश करते हैं, हमारा है अबेट। अबेट इज लेट मी एडिटिंग पार्ट, ठीक गाइस। तो लुक हियर, दिस इज द वर्ड एंड दिस इज द वर्ड अबेट गाइस। तो अबेट के साथ second guys
Okay, so guys, yeah, the problem is fixed now, so let's focus here. अरे भाई कहाँ चल रहा है. ठीक है, अबेट का मतलब होता है रोकथाम करना. ठीक है, हिंदी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कोशिश यही कर रहे हैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश याद करिए, वो ज़्यादा सूटेबल रहता है गाइस. तो अबेट का मतलब होता है रोकथाम करना, और इसके लिए आपको यह बता दूँ कि इसका अगर सिनोनिम की बात करें, देखो ये जो है यहाँ पर मैं सिनोनिम है, ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी यहाँ मेंशनड है. ठीक है, सिनोनिम रहेगा और ये एंटोनिम रहेगा, तो साथ साथ में करते चलो तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी. तो रोकथाम करना का आपको पता है कि हम इसको प्रिवेंट भी कहते हैं, है ना. तो ये आपका सिनोनिम है मॉडरेट. ठीक है, डिक्रीज. वही अगर एंटोनिम की हम बात करें तो एग्रेवेट और सप्लीमेंट, मतलब रोकथाम नहीं करना या कोई बीच में हिंड्रांस नहीं डालना. एग्जैक्टली. ठीक है, चलिए अगला वर्ड. अगर किसी को कोई परेशानी हो तो पूछते चलिएगा, है ना. और साथ में मैं कोशिश यही करूँगा कि किसी भी वर्ड को मैं बोल दूँगा कि आपने क्या करना है, सेंटेंस फॉर्म करना है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं तो अभी थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ेगा. ठीक है, याद कर लीजिए ABAT, abate मतलब decrease, prevent, moderate is the synonym. As far as the antonym is concerned, that is aggravate, supplement. These words are the antonym for abate. ठीक है, and thumbs up करते चलिएगा. चलिए अगला word है abject. abject का मतलब क्या होता है? abject का मतलब होता है अधम. अधम से तात्पर्य है कि एक ऐसा इंसान हु इज़ वेरी वेरी वर्स. ठीक है, उसको आप अप्रिसिएट नहीं कर सकते. ठीक है, उसके कर्तव्य ऐसे होते हैं कि आप उसको अप्रिसिएट नहीं कर सकते, उसको अच्छा नहीं कह सकते. तो एब्जेक्ट जो है उसका अगर मैं सिनोनिम की बात करूं प्यारे बच्चे, तो दिस इज़ द वर्ड एंड हिंदी वर्ड आपका अधम है. तो इसको देखो, ये सिर्फ समझने के लिए ध्यान रखो, इंग्लिश टू इंग्लिश याद करो, दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो इसका जो वर्ड होगा सिनोनिम है, दैट इज सिनोनिम, एंड फिर वी हैव एंटोनिम, दैट इज डेस्पिकेबल एंड इट इज सर्वाइल. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इसका एंटोनिम की बात करूँगा तो कमेंडेबल. ठीक है, कमेंडेबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप प्रेज कर सको, जिसको कि अच्छा कह सको, प्रेज वर्थ. दीज आर द वर्ड्स विच आर द एंटोनिम्स. ठीक है, तो एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब डेस्पिकेबल या सर्वाइल. एंटोनिम इज कमेंडेबल एंड प्रेज वर्थ. ऑल ऑफ यू, यू हैव 15 सेकेंड्स टू मेक सेंटेंसेज विद द वर्ड एब्जेक्ट. जल्दी से 15 सेकेंड्स गाइज. Make sure nobody is going to take more than 15 seconds. Go, 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 go ahead. It is very easy. देखो नीतीश ने बना दिया. He is an abject man. Abject यहाँ पे adjective का role play करेगा. ठीक है? जो किसी की विशेषता बता रहा है कैसा इंसान है, तो एब्जेक्ट इंसान है. द वे ही चीटेड इन द मैच इज एब्जेक्ट. ओके, ठीक है. दीक्षित किसी के टच में है क्या? दीक्षित, okay guys, so make sure everybody is just framing the sentences. Okay, perfect. अरे वाह, एडवर्ब भी लगा रहे हैं आर्यन बाबू. दीक्षित क्यों नहीं आ रहा? ऋतिक, मजाक क्यों चल रहा है? आदित्य, ठीक है. ऋतिक, why is दीक्षित नॉट कमिंग? वो भी मेला घूम रहा है क्या उसके साथ? तो उसका मन नहीं एनडीए करने का.
या उसको उसकी तैयारी पूरी है। फिर भी मौज दे रहे भाई साहब। ओके चलिए अगला वर्ड आपके लिए गाइस, यहाँ पे एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना, ठीक है, ABJURE। एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना। ओके सो ABJURE, यस, त्यागना। नहीं, उसको बोलो डांटना क्या है, कम से कम अपना तैयारी कुछ तो ठीक करे। उसको बोलो क्लास में आने के लिए। तो एयरफोर्स में वो नहीं आता क्या, सिनोनिम्स नहीं आता क्या, बात कर रहे हैं भाई साहब। ओके चलिए, एब्जोर का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है विकास, गुड गोइंग। ओके तो इसका जो है, अगर आप सिनोनिम की मैं बात करूं तो फोर्सेक है, या रिनाउंस, मतलब रिनाउंस। मैंने एक वर्ड शायद मैंने बनाया था क्या, राइमिंग वर्ड मैंने बनाया था। देखो राइमिंग वर्ड भी याद कर लिया करो, रिनाउंस के साथ एक राइमिंग वर्ड है डिनाउंस, ठीक है। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना या लीव कर देना, छोड़ देना, ठीक है। फोरसेक मतलब ही छोड़ देना, और डिनाउंस मतलब क्या होता है, ब्लेम करना। तो आपने एक नया वर्ड सीखा गाइस, चाहिए तो इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। ओके वही अगर मैं बात करूँ इसका एंटोनिम का, तो इट इज अप्रूव या सैंक्शन, ठीक है। ओके गाइस, मेक श्योर कि जब तक मैं अगले पे पढ़ूँ आप लोग सेंटेंस भी बनाते रहिए। दृष्टि, वाई आर नॉट मेकिंग सेंटेंस, आर यू देयर? प्रीति, गीता, सर, यस सर, आई एम या तो व्हाई नॉट फ्रेमिंग सेंटेंसेस बनाते रहिए। चलिए अगला वर्ड आपके लिए है एबोटिव। आई एम फाइंडिंग सो मेनी न्यू वर्ड्स, गुड गुड गोइंग गाइस। आई ऑब्जर्व एवरीथिंग फॉर योर ड्रीम्स, रियली गुड, बिकॉज पीपल हैव ऑब्जर्व टू स्मोकिंग। आई ऑब्जर्व एवरीथिंग फॉर क्लियरिंग इंडिया। ओके अमन, रितिक, I absorbed all my bad habits. I absorbed watching movies. ठीक है, एंड फॉर इंडिया वी हैव टू एब्जोर एवरीथिंग। दृष्टि, इसको इस तरीके से बनाइए, बनाओ कि एवरीथिंग के बजाय लाइक फॉर इंडिया वी हैव टू नहीं, वी मस्ट एब्जोर टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे, आपके डिजिटल पट पे, वो है अबोटिव। प्रीति, नींद तो नहीं आ रही बच्चे, कोशिश करो, इट्स फाइन, नॉट अ बिग डील। अबोटिव का बोलते हैं ना, एबोट कर दो, मिशन एबोट, मतलब एक तरीके से वो मिशन सही नहीं हो पाया इसलिए उसको वहीं पे छोड़ दो। निष्फल, वेन, इन वेन, अनप्रोडक्टिव, कोई भी उसका फल नहीं निकलना, ठीक है। तो ये है आपका सिनोनिम, जिसका कोई फल ना निकले, जो वेस्टफुल हो उसको आप डेबोटिव कहते हो। वही अगर इसका, अगर मैं एंटोनिम की बात करूं दोस्तों, तो दैट इज इफेक्चुअल एंड प्रोडक्टिव, मतलब जो ऑब्वियस ही बात है, अनप्रोडक्टिव का जो सिनोनिम होगा वो प्रोडक्टिव होगा। गाइस, आई होप यू गॉट इट। एग्जैक्टली, रितिक, गुड पॉइंट, डोंट वॉन्ट टू बिकम एबोटिव इन योर लाइफ। ओके गाइस, वेरी गुड। चलिए तो अगला शब्द जो आपके सामने है गाइस, ओके गाइस, विकास, नाइट, दिस इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेट के लिए बहुत है। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना,
किसी भी प्रॉब्लम, आई मीन किसी भी एक्यूज्ड हो आप किसी भी केसेस के, ठीक है, उससे दोष मुक्त कर देना, एक्विट कर देना, ठीक है, छोड़ देना, पार्डन मतलब क्षमा कर देना, फॉरगिव माफ कर देना, दोष मुक्त कर देना। वही अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो इट इज कॉम्पेल, ठीक है, ठीक है, दोबारा दोष ठहरा देना, अक्यूज, ब्लेम, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स विच आर एंटोनिम फॉर एब्सॉल्व। तो एब्सॉल्व का सिनोनिम क्या हुआ? पार्डन, फॉरगिव। एंटोनिम क्या हुआ? कॉम्पेल एंड एक्यूज, गाइस, ठीक है। चलिए अगले पड़ाव पे चलते हैं। द कोर्ट एब्सॉल्व हिम फ्रॉम ऑल द केसेस, ठीक है, कोर्ट एब्सॉल्व द इनोसेंट। भाई कोर्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, आर्यन, तो एब्सॉल्व होता है, ठीक है, एब्सॉल्व यू ऑल फॉर योर, एब्सॉल्व यू ऑल फॉर ऑल, एब्सॉल्व यू फॉर ऑल योर सिंस, ओके, बाय गिविंग ब्राइब थी वॉज एब्सॉल्व। Apex Court don't absolve Aryan Khan, truck mafia. Don't absolve Aryan Khan. Okay, Vikas, लेकिन drug mafia उसके बाद थोड़ा sentence को खराब कर रहा है, उसको तरीके से frame कर सकते हैं। Accord, accord का मतलब होता है सहमति, agreement. Guys, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे agree भी कह देते हैं, तो agree से आपको यह डिफरेंस समझना चाहिए कि कुछ वर्ब भी है, ठीक है, बट एग्रीमेंट की बात करेंगे। तो एकॉर्ड, एकॉर्ड मतलब होता है सहमति किसी बात की, ठीक है, तो सहमति मतलब एग्रीमेंट या हार्मनी, है ना, ये देखिए हार्मनी। वही अगर मैं ये आपका एंड, ये आपका सिनोनिम है, ये आपका एंटोनिम, गाइस, ठीक है। तो डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट मतलब सहमत नहीं होना, डिस्कॉर्ड मतलब असहमत। अब एक एक, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, फटाफट अगर आपको चीज़ों को याद करना है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखो, देखो सिंपली यहाँ पे लिख दो एकॉर्ड, ये अभी याद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए आपको, और ये हो गया डिस्कॉर्ड। एकॉर्ड मतलब क्या हो गया? सहमति। डिस्कॉर्ड मतलब क्या हो गया? असहमति। ना ये हो गया डिस्कॉर्ड, गाइस, माय पेरेंट्स एकॉर्ड विद माय टीचर, ठीक है। तो अभी ये याद हो गया, जल्दी बताओ एकॉर्ड और डिस्कॉर्ड किसको याद हुआ? फटाफट हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, एग्रीज वर्ब, एग्रीमेंट क्या है कोई बताएगा मुझे? ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। तो आज के बाद जैसे कि, और एक और वर्ड बाद मैंने सिखाया था, डिनाउंस और रिनाउंस, वह भी आप नहीं भूलोगे, क्योंकि रिनाउंस का मतलब होता है लीव करना, रिनाउंस का मतलब होता है लीव कर देना, ठीक है, प्रिवेंट करना, और डिनाउंस का मतलब होता है प्यारे बच्चे ब्लेम करना, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि एग्जैक्टली मीनिंग अपोजिट नहीं है, लेकिन आपको वह राइमिंग वर्ड है, तो उससे आप चीज़ों को याद कर सकते हो। एकॉर्ड यहाँ डिस्कॉर्ड में क्या फ़ायदा हुआ कि ये राइमिंग भी है और मीनिंग भी उल्टा है, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। परफेक्ट गाइस, लेट अस प्रोसीड फर्दर। एक्रीमोनी, एक्रीमोनी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? एक्रीमोनी का मतलब होता है रूखापन, मतलब किसी के बोली में जो हार्शनेस होती है, बिटरनेस होती है, तीखापन होती है, उसको हम एक्रीमोनी कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हार्शनेस या बिटरनेस इज एक्रीमोनी, ठीक है। तो अगर इसी का अगर मैं एंटोनिम की बात करूं, दिस इज अ सिनोनिम, और वही एंटोनिम की बात करूं दोस्त, एग्जैक्टली स्ट्रिक्टनेस कह सकते हैं विकास, बिल्कुल। गट्सी, मेरे को ना ये प्रोनाउंसिएट करके दिखाएगा, कौन करके दिखाएगा? अमन, एंटोनिम का पहला वर्ड, एक्रीमोनी का एंटोनिम का पहला वर्ड जल्दी से प्रोनाउंसिएट करके बताओ।
खुला करो और जल्दी बोलो, जल्दी। चलो तुम कर लो। प्रीति। कर्टसी सर। कौन बोला? यस अच्छा ठीक है ठीक है। अमन। प्रीति प्रीति। अरे भाई कर ले म्यूट यार तू। मुझे भी ब्रश करवाएगा हम लोगों को भी। अमन म्यूट कर। ओके हाँ प्रीति बताइए। हाँ कर्टसी। ठीक है कोई नहीं। कौन बोलेगा? बोलेगा आर्यन। बोलो। कर्टसी। नीतीश। कर्टसी सर। आदित्य। कर्टसी। दोबारा बोलो। दोबारा बोलो दोबारा। बोल। कौन सर? आदित्य। गोल्ड की सर। दृष्टि। करती। दोबारा बोलना। दृष्टि। करती। ओके ओके ओके। गीता। करती। विकास। यस सर। बोला हो। करसी सर। करसी। ये साइलेंट रहेगा शायद। करसी। करसी। नहीं। कर्सी मतलब तो वो चौकी लाना पड़ेगा तुम्हें, छुटका डंडा। चलो कोई नहीं कोई नहीं। लेट मी टेल यू द व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन। देखो ये गाइस आजकल इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत सारे लोग जो है क्या है प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलती करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन में सबसे बड़ी चीज़, कोई रह गया हो तो नाम बता दें प्लीज़, अगर मैं जिनका नाम नहीं ले पाएगा इस। तो ये आर जो है ना बेटा वो साइलेंट होता है, तो इसको हम बीच में ना कट सी बोलते हैं। देखो इसको छोड़ दो आप, इसमें ह का भी थोड़ा सा उच्चारण होता है, कट सी। ठीक है कट सी। ठीक है इस तरीके से प्रोनंसिएट करते हैं। ओके एक्रीमनी का जो एंटोनिम होगा वो कट सी होगा या बेनीवोलेंट होगा। ठीक है या बेनीवोलेंस होगा ये याद रखिएगा, क्योंकि ये जो वर्ड है। अब देखो एक चीज़, अब यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड में देखो सेम मीनिंग में आप याद कर लो, हार्शनेस बिटरनेस। ठीक है इससे आप राइमिंग वर्ड में याद कर लो गाइस। तो एक्रोमनी रूखापन, सिनोनिम हार्शनेस बिटरनेस, और एंटोनिम कर्टसी एंड बेनिवोलेंस। डन गाइस, भूलना नहीं है इसको, प्रयास करते रहना है, कोशिश करना है, याद करते रहना है। ठीक है ओके। अगला वर्ड है हमारे लिए प्यारे दोस्तों, दैट इज एडमेंट। एडमेंट का मतलब क्या होता है? अटल। जो बोल दिया सो बोल दिया भाई, वो चेंज नहीं होने का। जिंदगी। यस एडमेंट अटल। अब बता दूं कि इसका अगर आप सिनोनिम की बात करें तो स्टबर्न है। स्टबर्न का मतलब क्या होता है? मुझे कौन बताएगा? विकास बताएगा, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी। जिद्दी सर। एग्जैक्टली जिद्दी को हम स्टबर्न कहते हैं, मतलब जिद्दी हाँ जिद्दी। जिद्दी लोग क्या कहते हैं कि जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, दे जस्ट डू। एग्जैक्टली यस ऑब्स्टिनेट। अच्छा अब हम बात करते हैं इसी का, इनफ्लेक्सिबल। मतलब इनफ्लेक्सिबल क्या होता है? जो एक जगह मतलब आप उसको थोड़ा सा भी क्या स्ट्रेच नहीं कर सकते, वो अटल है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है ओके।
अगर वही एंटोनिम के मैं बात करूँगा गाइस, तो ये देखो मैं एक तीर से दो निशाने कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना करते चलना साथ साथ, ऐसा नहीं कि फिर हम एंटोनिम कर रहे हैं, एक साथ करते जाओगे तो और बेहतरीन रहेगा सबके लिए, ठीक है। चलिए तो वही मैं अगर बात करूँ तो आपका अगर एडमेंट का अगर एंटोनिम की बात करूँ, दैट इज़ फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट, जिसको कि आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसको आप रख सकते हो। एडमेंट के सीन में, ठीक है। अच्छा जी, मुझे पता ही नहीं था आदित्य, मैं बोलता तब तो हम पैरिंग की किरकिरी होगी ना, बट फिर भी यार 10 विकेट से हरा दिया ऐसे बच्चे जिसको जिस टीम को कोई मानता ही नहीं था, खुद दू टीम मानते थे सारे कि कुछ है ही नहीं उनके पास, ठीक है। तो अच्छा चलो यार, सबका दिन होता है, कभी ना कभी कोई भी आ सकता है ऊपर, तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट यस इट्स टाइम, इंडिया विल कम बैक डेफिनेटली। यस सर, सर सर, वी थॉट दैट पाकिस्तान हैज सम मोदी कम एक्सपीरियंसेस इन दिस फील्ड सर, we generally thought that Pakistan has modicum experiences in this field, so as Pakistan players were young, sir, that's it. Yeah, you can say. And the Pakistani showed yesterday. Yes. Sir, sorry to say, sir. Sorry to say, sir, but please topic, sir. What Kiriana topic? बार बार याद आ रहा है फिर. दिल में दर्द छुड़ा घोपा जा रहा है, नहीं सारे बच्चे आर्यन भी इधर सही में सर, बार बार रात में चल जा रहे हैं। या बिल्कुल बिल्कुल, एकदम रात में नींद नहीं आई भाई। चलिए अगले पड़ाव पे आते हैं, एग्जैक्टली अगले वर्ड पे आते हैं, दैट इज एट द रेंट, इट इज पक्षपाती, कुछ लोग होते हैं पक्षपाती, हाँ? इसके हिंदी मीनिंग को इग्नोर करो प्यारे बच्चों, ठीक है, इसके हिंदी मीनिंग को इग्नोर करो, इसको भी इग्नोर सर, फॉलोअर सर, फॉलोअर, यस फॉलोअर, 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 हाँ, या तरफा हो सकता है, एट एक तरफा, मतलब एक तरफ ही सारा ध्यान हो तो, मतलब फॉलोअर भी तो एक ही तरफ वाला काम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। एट द रेंट का मतलब होता है फॉलोअर या डिसिपल, ठीक है, जो अनुयायी होते हैं उसको आप क्या बोलते हो, एट द रेंट बोलते हो। एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो इट इज राइवल एंड एडवर्स या एरी। देखो याद करते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी से आपको 10 से 15 रोज याद करना पड़ेगा। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? एडवर्स मीन्स सर, एडवर्स मीन्स, अरे एडवर्स मीन्स होता है कि जो किसी के पक्ष में ना हो, जो अपने धुन में चलता हो, जो किसी को मानता ना हो, इस तरीके से आप उसको रख सकते हो, ठीक है। ओके चलिए, एनी मोर डाउट गाइस, शुड वी प्रोसीड? आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो ना, आई एम ग्रेटर एट द रेंट ऑफ पीएम मोदी, है ना। चलो गाइस जल्दी से सारे बच्चे सेंटेंस बनाओ जल्दी से, ऑल ऑफ यू हैव 15 सेकेंड्स, टाइप इन योर सेंटेंसेस एंड गो गो गो। चलिए बनाते रहिए।
okay. Well, I am at the end of Lord Krishna court. I am at the end of Nidhas with Angreji. Okay. I am at the end of Chhatrapati Shivaji Maharaj. The empire must be at the end. Okay. चलिए अगला वर्ड है आपके लिए आपके डिजिटल पट पे एडजंक्ट दैट इज सहायक. सहायक मतलब हेल्पर या एक तरीके से ज्वाइन या एडेड. मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ में आप एड ऑन कर देते हो या किसी भी चीज़ में क्या करते हो ज्वाइन कर लेते हो तो एक तरीके से हेल्प मिलता है बल मिलता है तो उसको आप एडजंक्ट बोलते हो. बट वही अगर मैं एंटोनिम की बात करूँ प्यारे दोस्तों तो इट इज़ ये तो सिनोनिम हो गया. एंटोनिम की बात करूँ प्यारे बच्चों तो दैट इज सेपरेटेड या सब्ट्रैक्टेड. मतलब या तो जुदा हो जाना या कम हो जाना राइट. सो दिस इज अगेन अ वर्ड एंड यू गाइज इफ यू वॉन्ट यू कैन मेक सेंटेंसेज. एडजंक्ट का मतलब होता है सहायक ठीक है. हेल्पर ज्वाइंट एडेड राइट. चलिए अगला वर्ड है आपके लिए एडमोनिश. ओके एडमोनिश है. एडमोनिश का मतलब होता है धिक्कारना. धिक्कारना से क्या तात्पर्य है. रिप्रूफ ठीक है. सपोर्ट में बोलना काउंसल मतलब सपोर्ट में नहीं बोलना. एक तरीके से कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए आप अपशब्द बोल देते हो ठीक है. उसमें आप चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते रिजेक्ट कर देते हो. यस वही अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ हाँ एग्जैक्टली वही अगर डाटा ही बोल सकते हो. वही अगर एंटोनिम की बात करूँ तो अप्रूव हो गया अपलॉड हो गया. अब देखो यहाँ पे आपने क्या सीखा. एक सिनोनिम एंटोनिम आपने राइमिंग में सीख लिया. देखो रिप्रूव और एंटोनिम आपने क्या सीखा अप्रूव. आप बताओ ये वर्ड लाइफ में कोई भूलेगा. सबको याद हो गया जल्दी बताओ. सबको बताओ जल्दी याद हो गया अच्छे से. रिप्रूव इज अप्रूव. सिंपल है ये लाइफ में नहीं भूलना. मार्क रैंकिंग हो सकता है ना सर. देखो इसके भी मतलब इंग्लिश में क्या होता है कि वैरायटी ऑफ मीनिंग्स होते हैं एक वर्ड के है ना. तो सिचुएशन के हिसाब से देख लेना ठीक है. ओके मार्क रैंकिंग मतलब लालचन लगाना सर तो हो सकता है. देखो क्या होता है कि जब मार्क रैंकिंग की अगर मैं बात करता हूँ ना तो एक तरीके से उसको डिसडेन में रखो उसको कंडेम में रखो है ना. तो इस तरीके से थोड़ा सा रखो कि तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है सुटेबल है. बट देखो यूज़ करने के लिए अगर देखो जब भी सिनोनिम आता है ना बच्चे तो क्या होता है कि उसका नियरेस्ट मीनिंग ढूंढता है. तो देखना कि अगर उसके नियरेस्ट नहीं है कोई तो आपका ये चल जाएगा मकरैकिंग ठीक है. मकरैकिंग अगला वर्ड है आपके लिए एडवर्सिटी. एग्जैक्टली जब सिचुएशन बहुत ख़राब हो तो उसको हम एडवर्स सिचुएशन कहते हैं एंड दैट इज एडवर्सिटी. तो इसको आप हिंदी में विपत्ति भी कहोगे ठीक है. वही अगर मैं सिनोनिम की बात करूं प्यारे दोस्तों तो मिसफॉर्चून कैलेमिटी ठीक है. अगर वही मैं एंटोनिम की बात करूं तो इट इज भाई अगर मैं एंटोनिम की बात करूं दोस्तों तो इट इज प्रोस्पेरिटी फॉर्चून ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना सिनोनिम आपका अगर मिसफॉर्चून है आई मीन कोई वर्ड मिसफॉर्चून है तो ये तो आप सबको पता होगा कि इसका एंटोनिम या कुछ भी मतलब अपोजिट इसका वर्ड जो होगा फॉर्चून होगा ठीक है दोस्तों. तो एडवर्सिटी मतलब विपत्ति सिनोनिम्स की बात करो तो मिसफॉर्चून या कैलेमिटी ठीक है. कैलेमिटी क्या बोलते हैं जब सिचुएशन बहुत हार्श हो जाए या कभी कभी कोई डिजास्टर आ जाता है तो उसको भी हम कैलेमिटी बोलते हैं ना आपदा बोलते हैं उसको. तो वही प्रॉस्पेरिटी की बात करूँगा तो क्या होता है अच्छे सिचुएशन में होना सौभाग्यशाली होना इस तरीके से. तो आई थिंक गाइस फॉर्चून मिसफॉर्चून आपको एक नया वर्ड मिला जो अब आप भूलोगे नहीं. बट अगर मैं बात करूँ तो मिस एडवर्सिटी को कासिनेम मिसफॉर्चून है और कैलेमिटी है और अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो प्रॉस्पेरिटी है ठीक है.
ठीक है गाइस, चल तो बढ़ते हम आगे। अगला वर्ड है द वेरी नेक्स्ट वर्ड इज गाइस एलियन। एलियन तो सबको पता है, जादू वाला फिल्म देखा होगा सबने, जादू है ना। तो एलियन मतलब होता है, मैंने एक इससे शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, जो एक देश से ना होगी दूसरे देश से है, तो ऐसा नहीं कि दूसरे प्लेनेट से ही है। अगर कोई पाकिस्तान से भी है तो उसको तुम एलियन कह सकते हो, नॉट अ बिग डील गाइस, ठीक है। तो उसका जो सिनोनिम है वह है आपका फॉरेनर या आउटसाइडर, या अगर वही एंटोनिम की बात करेंगे तो आपका नेटिव है या रेसिडेंट एक देश का, ठीक है। एलियन डिफीटेड अस, यस सही पकड़े हो भाई साहब, ओके गुड गोइंग। अगला वर्ड है एलए, मतलब निराकरण करना, मतलब उसका हल निकालना। ए डबल एल ए को शांत करना है ना, हाँ एग्जैक्ट, हाँ एल ए मतलब होता है निराकरण करना, या उसको अगर देखो मैं यही रिकमेंड करूँगा तो हिंदी मैंने सिर्फ आप लोगों के हेल्प के लिए लिखा है। कोशिश करना है कि इंग्लिश टू इंग्लिश याद करो, ठीक है प्यारे बच्चों। एल ए का मतलब अगर मैं सिनोनिम की बात करूँ तो पैसिफाई या सूथ है ना, वही अगर मैं एंटोनिम की बात करूँ तो इट इज एग्रेवेट या एक्साइट, ठीक है, मतलब चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड कर देना, ठीक है, और ख़राब कर देना, ठीक है, ज़्यादा बिगाड़ देना, बिल्कुल विकास, ठीक है प्यारे बच्चे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एल ए, एल ए मतलब निराकरण करना, ओके। सो गाइस क्लियर हो गया, यस एग्जैक्टली। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर, अगला वर्ड है दोस्तों, अच्छा सॉरी पीछे आप एक बार ढंग से याद कर लो, निलय मतलब निराकरण करना, सिनोनिम इज स्पेसिफाई या सूथ, एंटोनिम इज एग्रेवेट या एक्साइट, डन गाइस, ओके। तो अगले पड़ाव पे चलते हैं, इट इज सर स्पेलिंग गलत था सर, एक सर बेटा किसका किसका बेटा मेरा वाला स्पेलिंग गलत था सर, इक्षा सर्वेट और ज्यादा बिगाड़, मेरा वाला सर इक्षा सर्वेट मतलब और ज्यादा बिगाड़ देना। नहीं 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 देखो एग्जैगरेट तो नहीं होता ना, एग्जैगरेट तो अलग मीनिंग होता है यार, एग्जैगरेटली इज लाइक समथिंग कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है ठीक है, ओके इट इज, अगर एग्जैगरेट की बात कर रहे हो तो इट इज डिफरेंट, द मीनिंग ऑफ एग्जैगरेशन इज डिफरेंट गाइस, ओके। आइए एलिविएट की हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों, एलिविएट। और तुम लोग ना ये पांच, मैं एक एक वर्ड के पांच पांच मीनिंग दे रहा हूँ, मतलब दो सिनोनिम के दो एंटोनिम्स के, अगर तुम और इधर उधर करोगे ना पैर हिलाओगे तो और फंसोगे, पहले एक चीज पे ध्यान दो और एक चीज याद रखो, ओके। हाँ अगर सिमिलर है तो ऑब्वियस ही बात है मीनिंग इज नियर। अच्छा अब आते हैं हम अगले वर्ड पे, एलिविएट पे प्यारे बच्चों, एलिविएट बोलते हैं ना, ए डबल एल ई वी आई ए टी ई, एलिविएट मतलब होता है कम कर देना, कम करने से तात्पर्य है कि अबेट। और जब मैं बच्चों से अब बात करूंगा तो जो नए वर्ड मैं सिखा रहा हूं तो वह आपको यूज करोगे इवन सेंटेंस फॉर्मेशन में भी है ना। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, वही अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो दैट इज अबेट या रिलीव, ठीक है। वही अगर मैं एंटोनिम की बात करूं प्यारे दोस्तों तो दैट इज एग्रेवेट या इनहेंस। अब इसमें से तुम देख रहे होगे कुछ वर्ड जो है क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अबेट आपने पहले पहले सीखा, ठीक है, कि रोकथाम कर देना, कम कर देना, रोक देना। रिलीव मतलब क्या होता है कि उसको छुट्टी कर देना किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ से, ठीक है, रिलीव कर देना है ना, जैसे कि द ओल्ड सुखोई गॉट रिलीव फ्रॉम द स्क्वाड्रन, एयरफोर्स स्क्वाड्रन, मतलब उसको निकाल दिया गया, उसको कम कर दिया गया स्क्वाड्रन से, ओके। सो एलिविएट इज द न्यू वर्ड फॉर यू।
अब देखो अगर आप ध्यान से अगर थोड़ा सा करो तो एक चीज़ देखो, मैं आपके लिए फिर से एक ट्रिक लेके आया हूँ। यह है कि अगर एलिविएट अगर आप याद करते हो, एलिविएट, तो अगर आप एग्रेवेट, तो अगर एक वर्ड को अगर आप सिनोनिम रखते हो, मतलब एक वर्ड को रखते हो, तो उसका अपोजिट आप एंटोनिम तौर पे एग्रेवेट को याद कर सकते हो। ठीक है, एलिविएट एग्रेवेट, एलिविएट एग्रेवेट, एलिविएट एग्रेवेट मतलब कम कर देना, स्टॉप कर देना। ठीक है, यस यस यस, परफॉर्मेंस वॉज रियली रियली यू नो हार्ट ब्रोकन, हार्ट ब्रेकिंग। चलिए गाइस, तो अगले वर्ड पे आते हैं, एलिविएट इज एग्रेवेट, एक नया, अब ये भूलिएगा मत। सर आदित्य मैं सुधरेगा क्या, दिल पे चोट लगी है भाई, बोलना तो जरूरी, और नूर इसलिए नहीं है कि सारे खुश हो जाएंगे, इसलिए नूर आलम चला गया। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, अगला वर्ड एल्योर का मतलब क्या होता है, बहलाना या फुसलाना, ए डबल एल यू आर ई। अगर मैं बात करता हूँ एल्योर की, वेयर इज माई पेन बड़ी, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको मतलब होता है, ल्योर भी बोलते हैं ना, ये भी ध्यान रखना, यह भी आपका सिनोनिम्स में आता है, एल्योर इज बहलाना फुसलाना। ठीक है, अगर मैं वही एक बात करूँ इसके सिनोनिम्स की, तो एंटाइस, एंटाइस मतलब बहलाना फुसलाना, फैसिनेट का मतलब क्या होता है, आपको अच्छा लगता है तो उसी तरह आप बहलते फुसलते हो, टॉफी अच्छा लगता है आपको, इफ यू आर हैविंग, यू आर फैसिनेटेड अबाउट टॉफीज, एनीबडी गिव्स यू टॉफी एंड यू जस्ट स्टार्ट पर्सुएशन, स्टार्ट पर्सुएडिंग दैट गाइस, है ना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये नियर है और सिनोनिम है। अगर मैं वही बात करूँ अगर एंटोनिम की प्यारे दोस्तों, तो एंटोनिम है इसका रिपल्सिव, रिपल्सिव या रिपेल मतलब जुदा कर देना या हटा देना। ठीक है, एल्योर इज फुसलाना, बहलाना फुसलाना, और वही एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो इट इज रिपल्स या रिपेल। गाइस एक नया आपको मंत्रा देता हूँ, इंटाइस का अपना राइमिंग वर्ड याद करो, ई एन टी आई सी ई, अगर इंटाइस है मतलब एल्योर करना, तो इसी से आप इनसाइट याद कर लो, आई एन सी आई टी, इनसाइट का मतलब क्या होता है, दंगा भड़काना या इंस्टिगेट करना। ठीक है, या घी में, आग में घी डालना। ठीक है, इंस्टिगेट गाइस, तो इंटाइस और इनसाइट कितने बच्चों को याद हो गया, स्पेलिंग सर आई एन दिख नहीं रहा, इतना बड़ा बड़ा लिखे हैं, आई एन सी आई टी इनसाइट, एग्जैक्टली, एंटाइस मतलब बहलाना फुसलाना, इनसाइट मतलब दंगा भड़काना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, राइमिंग वर्ड हो गया प्यारे बच्चे, इस तरीके से आप भूलोगे नहीं, और इंग्लिश में भी क्या होता है कि ऐसे वर्ड याद रहते तो फटाफट आप यूज कर सकते हो, इसका ये फायदा है। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग, सर वी कैन आल्सो यूज कोजल सन, एक कोलोजन तो बहुत बड़ा होता है यार, मतलब सर वी कैन आल्सो यूज कोजल, सी ओ सी ओ मतलब सिनोनिम सर, वर्ड लिखे कोजल, सी ओ जे जे ओ एल ई। हाँ ऋतिक, अभी मैं थोड़ा उसको एडिटिंग भी करना पड़ेगा बच्चे, उस पर हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, कोजोल, इट इज ऑलमोस्ट नियर, यस काइंड ऑफ। ठीक है, हाँ आज दोनों क्लास में आज अपलोड कर दूंगा, वैसे दोनों के रिकॉर्डिंग पड़े हैं मेरे पास। ठीक है, ओके, एम्पलीफाई प्यारे बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, बढ़ाना, एम्पलीफाई का क्या मतलब होता है, आवाज को और दूर तक एक्सपैंड करना, गूंजने में मदद करना, एम्पलीफायर किसको बोलते हैं, हमने सुना है एम्पलीफायर का नाम,
जो बड़ा बड़ा जो वो लगा देते हैं, जो बाजा बुजू होता है जो आवाज़ को काफ़ी हद तक वो करता है, आगे एक्सपेंड करता है, तो उसको तो एम्पलीफाइज से यही है कि उसका जो सिनोनिम जो है वह है आपका एनलार्ज, और उसको आप एक्सटेंड भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका है सिनोनिम, सिनोनिम इज द वर्ड हियर, और फिर हम बात करेंगे इसकी एंटोनिम की। तो यस, वी शुड, वी मस्ट एम्पलीफाई आर परफॉर्मेंस, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं कि इसके एंटोनिम की, तो एम्पलीफाई का मतलब होता है लेसन या कॉन्ट्रैक्ट, एम्पलीफाई का मतलब लेसन या कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है गाइस। ओके, आई होप ये हो गया क्लियर गाइस। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, एक्सटेंड करना, इनलार्ज करना, ठीक है। साथ में ऐसे किस किस की क्लास है, किस किस को जाना है, सात बजे से। ओके ठीक है। सबको जाना, नो वरीज, वी आर जस्ट अबाउट टू वाइंड अप द क्लास, ठीक है। तो आज ना हम एम्पलीफाई तक ही रखते हैं क्लास को, कल हम फिर से कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा सेशन को और लंबा किया जाए, जिससे कि आप लोगों का सिलेबस और जल्दी फिनिश हो जाए, ठीक है। सिनोनिम्स में टाइम लगेगा, सिनोनिम और एंटोनिम में, क्योंकि मैं एक साथ ही दोनों लेके चल रहा हूँ, तो ये हेल्प करेगा, ठीक है। मिलते हैं कल गाइस, सेम टाइम, सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, इसको याद करके आइएगा, क्योंकि मैं पूछूंगा, अगर पूछने पे अगर नहीं हुआ, नहीं यार मानसी यहाँ से ना, दृष्टि यहाँ से नेटवर्क की बड़ी इशू हो रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ फिक्स करने की, हो सकता है कि मैं ना यूट्यूब वाले बच्चों को भी, सिर्फ क्या होगा कि ज़्यादा नंबर में होंगे तो उनको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं बुलाया करूँगा ना, कोशिश कर रहा हूँ मैं गूगल मीट पे, ठीक है। तो देखते हैं, तो मिलते हैं फिर कल गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, आई मीन ओह गॉड व्हाई आई एम सेइंग गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे गाइस, अच्छे से आपका दिन रहे। जो बच्चे नहीं आए उनको बता दीजिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट सेशन उन्होंने मिस किया है, तो ये जरूरी है उनके लिए जानना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस, मिलते हैं फिर कल सेम टाइम, बाय बाय, टेक